गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जेल से एक और इंटरव्यू वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में जब लॉरेंस से पूछा गया कि क्या वह सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता से माफी मांगेगा, तो इस सवाल पर लॉरेंस ने कहा कि हमारा मूसेवाला के परिवार से कोई द्वेष नहीं है, केवल उसके शरीर से द्वेष था। जब बिश्नोई से इंटरव्यू में पूछा गया कि तुमने एक माँ बाप का इकलौता होनहार लड़का मार दिया, क्या तुम्हें इस पर पछतावा होता है, इस पर बिश्नोई ने कहा कि उसने हमारे भाई को मरवाया था, एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही, वह खुद गैंगवार में घुस रहा था। गौरतलब है कि पिछले साल की 29 मई को जाने माने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे उसके साथी गैंगस्टर गोल्डी बरार पर मूसेवाला की हत्या के आरोप लगे थे। पहली बार जब जेल में लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू सामने आया था, तो लॉरेंस ने खुलासा किया था कि सिद्धू मूसेवाला को गैंगस्टर गोल्डी बरार ने मरवाया था, वही गैंग को चला रहा है। लॉरेंस ने मूसेवाला की हत्या की वजह बताते हुए वायरल इंटरव्यू में कहा था कि उसने हमारे भाई विक्की को मरवाया था, जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई थी। लॉरेंस ने कहा कि वह अपनी सिंगिंग करने की बजाय हमारी आपस की लड़ाई में घुस रहा था, गैंगवार में घुस रहा था, वह नेतागिरी में सिंडिकेट बना रहा था और मेरे खिलाफ एक गैंग भी तैयार कर रहा था। उसने हमारे भाई विक्की को मरवाया, जिसका हमने बदला लिया है। इंटरव्यू में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए लॉरेंस ने कहा था कि सलमान खान को लेकर हमारे समाज में काफी गुस्सा है, उसने हमारे समाज को नीचा दिखाया है। सलमान ने हमारे इलाके में जीव हत्या की है, या तो सलमान माफी मांगे वरना वह अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। लॉरेंस ने आगे कहा कि अभी तो मैं गुंडा नहीं हूँ, लेकिन सलमान खान को मारकर मैं गुंडा बन जाऊंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य है सलमान खान को मारना, सुरक्षा हटने पर सलमान खान की हत्या जरूर करूंगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं आरती। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए मधुभाषी के साथ।